आयुष श्रांश चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलवर के खेड़ेली में बीजेपी के जन आक्रोश महासभा में अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए यह सब किया गया है। हालांकि बीजेपी के पदाधिकारियों का कहना है कि सभा के बाद किसी ने साजिश के तहत ऐसा किया है। दरअसल मंगलवार की शाम को खेड़ेली में जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। इसमें दिल्ली में सांसद रमेश विधूड़ी भी चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे। इसके अलावा अन्य बीजेपी नेता भी इस मंच पर थे। तभी एक महिला स्टेज पर आई और डांस करने लगी। इस दौरान महिला डांसर ने कई अश्लील मूव्स भी किए। अब जन आक्रोश महासभा के दौरान मुख्य अतिथि दिल्ली के सांसद रमेश। और चलिए इस बीच हमारे साथ योगेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अलवर से। योगेश जी आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। योगेश जी ये जो वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं, हालांकि ये कार्यक्रम तो बीजेपी का है, लेकिन अभी हम लोग जिलाध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि ये आप लोग करवा रहे हैं उनके मंच के ऊपर। योगेश जी जी योगेश जी अश्लीलता का एक वीडियो सामने आया है, बीजेपी ये कह रही कि उनके मंच पर आप लोगों ने इस तरीके से अश्लीलता परोसी है। देखिए कांग्रेस का काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। ये जनाक्रोश रैली निकाल रहे, जनाक्रोश कांग्रेस के प्रति नहीं है, जनाक्रोश भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का है। ये लोग 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो नहीं दे पाए। ये लोग बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे थे, नहीं कर पाए। महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, नहीं कर पाए। तो जनाक्रोश है इनके प्रति, इनके जनाक्रोश रैली इनकी फेल हो गई। तो इन्होंने अश्लीलता परोस कर जनता को लुभाना चाहा और जनता ने इनका विरोध कर दिया। इनके वहां फजीती हुई है और इस तरीके की हरकतें करेंगे इनको 2023 में पता लग जाएगा, फिर 24 में पार्लियामेंट के चुनाव में पता लग जाएगा। चलिए शुक्रिया योगेश जी। थैंक यू सर।